दोस्तों मेरे पास प्रिंटर है HP LaserJet M1005 MFP। तो बहुत पुराना प्रिंटर है, सभी को पता है, काफ़ी मज़ेदार चलने वाला प्रिंटर है। बट ये प्रॉब्लम इसके अंदर भी आ जाती है इनिशियलाइजिंग की। तो इनिशियलाइजिंग किस वजह से आता है, सबसे पहले तो आपको बंद करके दिखाता हूँ प्रिंटर को। कई बार एक प्रॉब्लम और भी आती है इसमें इनिशियलाइजिंग के साथ साथ। बंद कर दिया, चलाते हैं। ये देखिए अब ये स्टार्ट हुआ है और देखिए इनिशियलाइजिंग आया हुआ है। कई बार रेडी हो जाता है, कई बार रेडी नहीं होता, इनिशियलाइजिंग आता रहता है, फिर कंटिन्यूस चलता रहता है। देखिए रेडी आ गया। ये किस वजह से है उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। जस्ट 2 मिनट का वीडियो है, देखते रहिएगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण ढांडा, आप देख रहे हैं 1 मिनट सॉल्यूशन। तो कर लेते हैं 1 मिनट में सॉल्यूशन इसका। देखिए सबसे पहले तो इसको खोल लेना है, ये दोनों हिस्से पीछे की तरफ के खोल लेने हैं, पूरा हिस्सा खोल लेना है। देखिए ये प्रॉब्लम भी इसमें आती है, कई देर बंद रखने के बाद प्रिंटर ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब बंद नहीं होगा जब तक इसके फ्लैप को देखिए ऊपर नहीं करेंगे। फ्लैप ऊपर किया, अब छोड़ेंगे तब जाके ये बंद हुआ है और फिर इंसलाइजिंग आ जाएगा। तो इस प्रकार ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए हमने ये खोल लिया है, ये वाला बॉक्स और ये वाला। मेन प्रॉब्लम क्या होती है देखिए आपको बता देते हैं। एक तो ये वाली जो बेल्ट है ना, ये जो इसमें लगी हुई है, ये बेल्ट अपने लेज़र से कनेक्ट होती है, ठीक है। और एक बेल्ट और है, दिखा देता हूँ आपको। एक ये वाली जो बेल्ट है, ये लेज़र से कनेक्ट होती है। इनको क्या करना है, निकाल लेना है। मैं इसको भी निकाल देता हूँ, निकल चुकी है। इसको अच्छे से रबड़ से क्लीन करना है, जो इरेजर होता है अपना, इरेजर जिसे बोलते हैं, उससे रबड़ से इसको क्लीन करना है। तो इस साइड वाले बेल्ट को भी हमें अच्छे से रबड़ से क्लीन कर लेना है। रबड़ से क्लीन करने के बाद प्लग इन कर दें। मेन जो प्रॉब्लम है इंसलाइजेशन की, वो आती है सिर्फ हमारा जो इस प्रिंटर का लेज़र है यहाँ पे, वो कनेक्ट नहीं हो पाता, बाकी पार्ट से कनेक्ट नहीं हो पाता और बार बार ये चलता रहता है रोटेशन। ये भी इसी की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो नीचे कमेंट करना, अगर नहीं हो पाती है तो भी कमेंट करना, उसका सॉल्यूशन भी मैं अलग से डाल दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है। तो वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर कर दीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के टिप्स ट्रिक्स और मज़ेदार जो वीडियो है आपके लिए लेके आते रहेंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहें 1 मिनट सॉल्यूशन।